बांसगांव थाना क्षेत्र में 6 मई को 7 वर्षीय मासूम आलोक विश्वकर्मा की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। घटना में शामिल सभी 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मृतक के पड़ोसी लवेश कहार पुत्र स्वर्गीय नेबूलाल उम्र 34 वर्ष, गौरी शंकर पुत्र स्वर्गीय नेबूलाल उम्र 40 वर्ष, बिपिन गौड़ पुत्र गौरी शंकर गौड़ उम्र 19 वर्ष, सीमा देवी पत्नी गौरी शंकर उम्र 38 वर्ष निवासी विशुनपुर थाना बांसगांव के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आला कत्ल रॉयल स्टैक अंग्रेजी शराब के बोतल का रक्त रंजित टुकड़े, एक प्लास्टिक की बोरी, एक पोटली में जले हुए कपड़े की राख बरामद किया है। पुलिस के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम विशुनपुर निवासी शिव कुमार विश्वकर्मा पुत्र मानिक चंद्र विश्वकर्मा द्वारा अपने भतीजे आलोक विश्वकर्मा पुत्र ब्रह्मानंद विश्वकर्मा उम्र करीब 8 वर्ष के गुम हो जाने के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर थाना मुकदमा पंजीकृत कर गुमशुदा की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान 6 मई को सूचना मिली कि आलोक का शव गाँव की झाड़ी में पड़ा है, जिसके गले पर खून लगा चोट का निशान है। सूचना पर मुकामी पुलिस डॉग स्क्वाड व फील्ड यूनिट टीम के साथ घटना के अनावरण का प्रयास किया गया और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य अभियुक्त लवेश की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल रक्त रंजित रॉयल स्टैक अंग्रेजी शराब के बोतल का टुकड़ा, रॉयल स्टैक शराब का खाली डिब्बा, एक प्लास्टिक की बोरी, घटना के वक्त अभियुक्त द्वारा पहने हुए खून लगे कपड़े की राख बरामद किया गया, जिसके संबंध में सीओ बांसगांव ने बताया कि घटना का कारण वादी मुकदमा शिव कुमार विश्वकर्मा व अभियुक्त गढ़ों के बीच रास्ते को लेकर 10 दिन पूर्व विवाद हुआ था। शिव कुमार के परिवार के लोग मुख्य अभियुक्त लवेश को शराबी कहकर खिल्ली उड़ा रहे थे, जिसका लवेश द्वारा मन ही मन में रंजिश रखकर सबक सिखाने हेतु शिव कुमार के भतीजे आलोक को म्यूजिक सुनाने के बहाने अपने कमरे में ले गया और रात में गांव की झाड़ी में ले जाकर अंग्रेजी शराब रॉयल स्टैक के बोतल के टुकड़े से गले पर वार कर हत्या कर दी और अन्य अभियुक्तों के सहयोग से शव को छिपा दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ बांसगांव श्यामदेव बिंद और दूरभाष पर बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना बांसगांव अंतर्गत ग्राम विशुनपुरा में 8 वर्षीय बच्चे आलोक विश्वकर्मा के गुमशुदा होने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर तलाश की जा रही थी, जिसके क्रम में दिनांक 6 मई को गांव की झाड़ी में आलोक विश्वकर्मा का शव बरामद हुआ था, जिसके गले पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या की गई थी। इस घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु कड़े निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय के पर्यवेक्षण में घटना के सफल अनावरण हेतु एसएचओ बांसगांव के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई थी, जिसके क्रम में आज दिनांक 8 मई को एसएचओ बांसगांव व टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त लवेश गौर व सह अभियुक्त गौरी शंकर सीमा व विपिन को गिरफ्तार किया गया व लवेश की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कतल अंग्रेजी शराब की टूटी बोतल बरामद की गई, जिस पर खून लगा हुआ है। घटना का कारण पूर्व में रास्ते का विवाद बताया जा रहा है, क्योंकि वादी व अभियुक्तगण दोनों पड़ोसी हैं। लगभग 10 दिन पूर्व दोनों परिवारों के बीच में रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ था। थाना बांसगांव क्षेत्र में एक बच्चे के गायब होने की सूचना थी।
पुलिस ने उसमें अभियोग दर्ज किया और जिस दिन बच्चा गायब हुआ था उसके तीसरे दिन यानी कल उसकी डेड बॉडी गांव में ही घनी बस्ती के बीच झाड़ी है, गंदगी वहां कूड़ा का ढेर है, उसी के बीच में मिली। तत्काल पुलिस के स्थानीय से लेकर वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय तक मौके पर गए और वहां हम लोगों ने जो देखा उससे साफ लगा कि कहीं न कहीं मामला इसी गांव के भीतर ही है। और जब ये छानबीन की गई कि बच्चा कहां था, कैसे था, कब तक कहां था, लास्ट सीन गौरीशंकर के घर में आते में देखा गया था बच्चा, उसके बाद से लापता था। गौरीशंकर का भाई लवेश थोड़ा नशेड़ी टाइप है, उसकी पत्नी उतनी भी उसे छोड़ के चली गई, उस पर डाउट हुआ। पुलिस ने छानबीन शुरू किया तो घटना स्थल से कुछ ऐसी चीजें हमें मिली थी कि उनको जोड़ने वाली चीजें लवेश के कमरे से बरामद हो गई। उस आधार पर शक और गहराया, अंततः पुलिस ने लवेश को, गौरीशंकर को, गौरीशंकर की पत्नी को, गौरीशंकर के बेटे को, सबको उठा के पूछताछ किया। पता चला कि यह हत्या लवेश ने की थी और छोटा सा एक विवाद था, रास्ते में कुछ टीन टप्पर था जिसे हटा करके लोगों ने रास्ता चौड़ा किया था और उसमें ये जो बच्चा है इसके परिवार के लोगों की भी भूमिका थी। तो लवेश नशेड़ी टाइप है, इसने उस समय भी ये कहा था अच्छा ठीक है इसका मजा मैं दिखाऊंगा, तो किसी ने उस बात को नोटिस नहीं किया था। लेकिन घटना के होने के बाद लोगों ने वो चीजें भी फिर पुलिस को बताई जैसा भी इसने कहा था। इस आधार पर चीजें पुख्ता हो गई और जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उन्होंने घटना स्वीकार कर लिया है, सबको हिरासत में ले लिया गया है और कल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सर क्या इसमें पुलिस की लापरवाही भी कहीं से आई थी? नहीं, पुलिस की लापरवाही ऐसी कोई लापरवाही नहीं है। लोगों का ये कहना है कि इसमें मुकदमा देर से लिखा गया। सच्चाई ये है कि इनके परिजनों ने 4 तारीख की घटना सामती थी, 4 को प्रार्थना पत्र तो लिखा लेकिन प्रार्थना पत्र 5 को पुलिस को दिया। चौकी प्रभारी इनके साथ लगातार उस दूर ककोड़ में थे और जब उन्हें लगा कि बच्चा नहीं मिल रहा तो उन्होंने इसमें मुकदमा लिखवा दिया। ऊपर से भी निर्देश है छोटे बच्चों के मामले में तत्काल अपहरण का मुकदमा लिखा जाए 24 घंटे के भीतर। तो चौकी प्रभारी ने गुमशुदगी लिख करके ढूंढने के बजाय ढूंढा और नहीं लिखा तो सीधे मुकदमा लिखवा दिया था। और मुकदमा लिखने के थोड़ी देर बाद, लगभग 2-2.5 घंटे बाद डेड बॉडी मिली और पुलिस की तत्परता से ही आपने देखा होगा कि सारे लोग, सारे सस्पेक्टेड एंगल्स, ब्लाइंड केस था और FIR लिखे जाने के 48 घंटे के भीतर ही खुल भी गया, गिरफ्तारी भी हो गई। तो इसमें पुलिस की लापरवाही मैं समझता हूं नहीं है। अब कहने के लिए कोई ये कह सकता है कि पहले गुमशुदगी क्यों नहीं लिखी, लेकिन गुमशुदगी की प्रक्रिया हो करके आगे हम लिखे इससे पहले पुलिस ने अपना प्रयास करने के बाद चौकी प्रभारी स्तर पे उन्होंने इसको सीधे अपहरण में लिखा दिया और जब डेड बॉडी मिली है तो अपने आप 302 में अल्टर हो जाएगा, वो केस अल्टर हो गया। कहा तो मैंने कि भाई लवेश इसका मुख्य अभियुक्त है, उनके भाई गौरीशंकर है, उनकी पत्नी है और गौरीशंकर का बेटा है, ये चारों लोग उस मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है।